रुक करते हैं खबरों की तरफ। भले ही हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हों, भले ही हम आधुनिक भारत का दम भरते हों, भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन समाज कहां जा रहा है इसकी फिक्र किसे है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 शहरों से जो हैवानियत की घटनाएं सामने आई हैं, उसने आधुनिक भारत पर ही कलंक लगा दिया है। कानपुर के घाटमपुर में एक बच्ची की पहले निर्मम हत्या हुई, फिर उसके शरीर के अंदरूनी अंग निकाले गए और फिर उसका कलेजा आरोपी के चाचा चाची खा गए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें संतान चाहिए थे। तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। फतेह में 2 सगी बहनों की आंखें फोड़ दी गई और तालाब में फेंक दिया गया। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। बुलंदशहर में एक लॉ छात्रा ने गैंगरेप के बाद एक होनहार छात्रा ने खुदकुशी कर ली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, और अब इन घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज किस आधुनिकता और किस कितना सभ्य हो गया है। ये घटनाएं किसी कलंक से कम नहीं है। फतेहपुर से हमारे सहयोगी रामचंद्र सैनी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। रामचंद्र, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, बच्चियों के खिलाफ जो अपराध है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक भी है। साथ ही मिशन शक्ति अभियान भी लगातार जारी है सरकार का, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे फतेहपुर की बात करें, चाहे बुलंदशहर की बात करें, जगह जगह बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट फतेहपुर की पूरी घटना पर है आपके पास? तरह से मिशन शक्ति के तहत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है महिलाओं सुरक्षा को लेकर के, लेकिन जिस तरह से इन दो बच्चियों की लाश मिली फतेहपुर जिले के छिछनी गांव में, उसे देख कर साफ लग रहा है कि जिस तरह से इनके साथ दरिंदगी की गई और उनको आंख फोड़ करके और पॉइल से हाथ बांध कर तालाब में फेंक दिया गया। लेकिन इससे थोड़ी तो बात यह है कि जब पुलिस पहुंचती है मौके पर और जिले के कप्तान जब कहते हैं कि इनकी डूबने से मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि मिशन शक्ति पे कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। जिसका जब परिजनों ने हत्या किए जाने का शंका जताई, तो पुलिस भड़क उठी और परिजनों से दबाव बनाने लगी कि आप हत्या हुई है लेकिन डूबने से हुई है मौत, हत्या नहीं हुई है। जिसके बाद उनसे पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने पूरे गांव को छावनी तब्दील कर दिया था। लेकिन परिजन बार बार कह रहे थे कि इनकी डूबने से नहीं, इनकी हत्या की गई है। जिस तरह से शव देखा जा रहा था मौके पर दोनों बच्चियों का, कि किस तरह से दरिंदगी के बाद उनकी हत्या की गई थी। रामचंद्र, क्या परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है? जी बिल्कुल, परिजन बार बार कह रहे हैं कि इनकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस कह रही है कि इनकी डूबने से मौत हुई है, और जिससे आप खुद ही जो भी बयान आया है कप्तान का कि इनकी डूबने से मौत हुई है, हत्या नहीं की गई, परिजन ने तहरीर दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक सर मुकदमा दर्ज नहीं किया हुआ है। समझना चाहेंगे कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि डूबने से बच्चियों की मौत हुई है, या पुलिस मनगढ़ंत कहानी बना रही है? जी अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी चुकी है मिली नहीं है, लेकिन जो डॉक्टरों ने आशंका जाहिर की है कि चोट को निशान देखते हुए लगता है कि उनसे दरिंदगी के साथ ही हत्या की गई है, और क्योंकि दोनों बच्चियों के एक हाथ भी फोड़ करके तालाब में फेंका गया था जिससे उनकी मौत हुई है। रामचंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कानपुर में हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। विकास, ये जो घटना सामने आई दिवाली वाली रात कानपुर में, बेहद शर्मसार करने वाली मानवता को ये पूरी घटना है। किस तरीके से एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी चाचा चाची के द्वारा। क्या कुछ अपडेट पूरी घटना पर आपके पास है विकास? ये दीदी आपको बता दें, दिवाली की रात को ये बच्ची जो है अपने घर का सामान लेने को दुकान पे जाती है, उसके बाद से ये गायब हो जाती है। जो परिजन है और ग्रामीण मिलकर बच्ची नहीं मिलती, सुबह सूचना मिलती है कि बच्ची का शव शत विशेष अवस्था में गांव के पास ही एक भद्रकाली मंदिर उसके पास वहां पे मिला है। जब परिजन और ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचते तो देख के जो शव की स्थिति होती है, बच्ची का जो शव होता है उसके सीना फाड़ के उसका कलेजा निकाल लिया जाता है। इस पर जब पुलिस ने जब बात की गई तो पुलिस ने हत्या के पीछे कोई और वजह बताई, जिसके देखते हुए इसकी जांच चल रही थी। लेकिन कल पुलिस ने एक बहुत ही अजीब सा एक खुलासा किया कि दो हत्यारोपियों को पकड़ लिया और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया।
जब पुलिस ने अपना बयान जारी किया सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें ये बताया है कि ये दो हत्यारोपी जो अंकुर और वीरेन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने चाचा चाची के कहने पे बच्ची की हत्या के लिए और उसका कलेजा निकाल के उन्हें दे दिया है। उसके बाद चाचा चाची और कुछ लोगों को हिरासत लेके अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन दो लोगों को जो हत्यारोपी में शामिल थे, इनको जेल भेज देगा बगैर मीडिया के सामने लाए। अब क्या ऐसा ही चाचा चाची या इनके साथ भी होने वाला है कि बगैर मीडिया को सामने लाए इनको भी जेल भेज दिया जाएगा? अगर देखा जाए तो तन मन के चलते ये अंधविश्वास का एक बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आया है। विकास, क्या कुछ और लोगों तक भी पुलिस इस पूरे विकास इस बीच आपको रोकना चाहेंगे? एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष जी, तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश से ऐसी सामने आ रही हैं जहां बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। बेटियां क्या, बच्चियों की अगर बात की जाए, तीन तस्वीरें हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं संतोष जी, और बुलंदशहर का नाम भी इसमें शामिल है। मिशन शक्ति अभियान के बावजूद ऐसी घटना सामने आ रही है जो लगातार शर्मसार कर रही है। क्या कहेंगे, क्या कार्यवाही हुई है पूरी घटना पर? देखिए, बेशक घटना दुखदायी है, लेकिन इस घटना की शुरुआत में अगर हम जाएं तो सबसे पहले 3-10 को इस लड़की के द्वारा एक कमरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा छेड़खानी का, अपहरण का दिखाया गया था। और मुकदमा लिखाते ही लड़की ने तुरंत अपने बयान में कहा कि परिवारिक जनों के दबाव में ये मुकदमा हमने लिखाया है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहती हूँ, परिवार वाले नहीं करना चाहते। इसके बाद फिर 164 में न्यायालय में लड़की का बयान दर्ज कराया गया, जहाँ उस लड़की ने पूरी घटना से इनकार किया। इस आधार पर उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। पुनः 24-10 को लड़की द्वारा एक दूसरी तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें 16-10 की घटना दिखाते हुए तीन लोगों को नामित किया, जिसमें एक वो लड़का था कमरुद्दीन जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, एक उसका मामा और एक उसका और रिश्तेदार तीसरे गांव का। उसमें आरोप लगाया संतोष जी, परिजनों का आरोप है कि उनकी बिटिया ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, कोई कार्यवाही नहीं की। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में विवेचक जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की भूमिका के संबंध में जांच एसपी क्राइम को सौंप कर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु दुखदायी है, हम सभी के लिए दुखद है और हम इसमें प्रयास करेंगे बिल्कुल निरक्षीर हो। और अब मुख्य अभियुक्त जो कमरुद्दीन है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने की बात अपने सुसाइड नोट में लिखी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हम कर रहे हैं संतोष जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये गिरफ्तारी पहले हो जाती तो शायद एक बिटिया को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती, शायद आज वो जिंदा होती और खुदकुशी नहीं करती। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास। लगातार कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, हम लगातार बात कर रहे हैं इसी के बारे में कि किस तरीके से मिशन शक्ति अभियान चला रही है योगी सरकार लगातार, लेकिन जो बेटियों के खिलाफ अपराध है, अब तो मासूम बच्चियों के खिलाफ भी जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर घाटमपुर के आपके पास है? कितनी गिरफ्तारियां इस मामले पर हो चुकी हैं और क्या वजह रही इसके पीछे, इस जघन्य अपराध के पीछे? विकास, जैसे घाटमपुर के भद्रास गांव की एक घटना थी जिसमें कि चाचा चाची के जो कोई चाचा चाची के कोई संतान नहीं थी काफी सालों से, जिसको लेकर इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। इन्होंने पड़ोस में रहने वाले अपने जो दो भतीजे हैं अंकुर और वीरेन नाम, उनको कुछ पैसे का लालच देकर ये जघन्य हत्याकांड कराया है, जिसके चलते ये देखा जा रहा है कि तंत्र मंत्र के जरिए ये हत्या की गई है। अगर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आस्था के नाम पर ये हैवानियत है।